हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग जो अपना एक रैपिड टेस्ट यानी जो अंतिम दौर में अपना सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं 69th BPSC प्रीलिम्स 2023 के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसके पहले पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित था क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो एक ग्रुप है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुए हैं BPSC वाले एग्जाम में। तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन को लाए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसको आप एक बार ज़रूर अंतिम समय में एनालिसिस करिए। देखिए, आपको कई सारा क्वेश्चन इसी से मिल जाए, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन को ही रखा गया है जो कई कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में BPSC वाले में। तो आप सब इसे चूकिएगा मत, इसे एक बार आप लोग वीडियो को पूरा, मैं रुका नहीं हूँ ज़्यादा, एक तेज़ी से इसे रैपिड टेस्ट की तरह पढ़ाया हूँ, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर एनालिसिस करिएगा, तो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और यह ध्येय IAS का एक टेस्ट सीरीज है, और ध्येय IAS में इसमें ऐसे क्वेश्चन को ही रखा गया है इस टेस्ट में। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन है, इसके पार्ट वन वाले में हम लोगों ने देख लिया था, पार्ट टू है ये, तो आप लोग इसे चूकिएगा मत। और मेरे भाई, वीडियो आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे मेरे भाई, आप लोग हमारा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना। अगर नए हैं मेरे भाई तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आपसे यही उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे अपने भाई के लिए। तो चलते हम लोग आज का टेस्ट ये स्टार्ट करते हैं साथियों। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 61 से पार्ट टू में, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 1931 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। तो मेरे भाई, किस नेता ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा 1931 के अहमदाबाद अधिवेशन की बात कर रहा है ये। तो देखिए, सबसे पहले 1931 का जो अहमदाबाद अधिवेशन है मेरे भाई, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था सी आर दास ने किया था, लेकिन ये उस समय जेल में थे। इसमें जेल में होने के कारण इनके स्थान पर इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। और ये जो संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव ये जो रखा था मेरे भाई, ये रखे थे मौलाना हसरत मोहानी ने। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61 का। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है मेरे भाई, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? हम सबको पता है मेरे भाई, 1930 में गांधी जी ने एक दांडी मार्च निकाला नमक का कानून तोड़ने के उद्देश्य से, अहमदाबाद से दांडी। तो इसमें दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, उसके बाद उन्होंने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया। यही दांडी मार्च पूरा करके उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था उस समय। तो कब हुआ था? 1930 में। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हमें पता है मेरे भाई, ये गांधी और इरविन का समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, 1931 में गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इनके मध्य जो समझौता हुई, तो कह रहा है जो सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई ये समझौता होने में, तो 63वां का क्वेश्चन है मेरे भाई, तेज बहादुर सप्रू, जिसे हम लोग TB सप्रू बोलते हैं, TB सप्रू, तेज बहादुर सप्रू ने ये गांधी इरविन समझौता होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसके साथ अन्य नेता भी थे मेरे भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग थे। जैसे इनके साथ अगर बात करें तो MR जयकर और जैसे और कई नेता थे, लेकिन मुख्य भूमिका यही निभाए थे। देखें हम लोग 64 में क्या कर रहा है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कहाँ? कराची अधिवेशन में किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक विकास पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो मेरे भाई, जो 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्पित एक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर अपने 65 देखिए क्या कह रहा है इसमें। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस नेता ने भाग लिया था? तो मेरे भाई जो 1900 जो मतलब ये कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, कह सकते हैं कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिया था। उसके बाद इसमें कौन कौन भाग लिए थे अब ये बताना है। भीमराव अंबेडकर ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मौलाना मोहम्मद अली ये भी पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ए भी थे ये भी थे, तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चले हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और ये कब हुआ था ये थोड़ा जान लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था मेरे भाई? ये लंदन में हुआ था 1930 में। इसके भी थोड़ा जानते रहेंगे डेट वोट तो ध्यान में रहेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 66 पे। देखिए क्या कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट क्या था कि महात्मा गांधी जी और अंबेडकर साहब के मध्य ये समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था। तो पूना पैक्ट के बाद जो है ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। कौन किए थे मेरे भाई? ये हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी किए थे। इसमें तो महात्मा गांधी जी किए थे, तो कह रहा है कि इस हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसको अध्यक्ष मेरे भाई गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था, जीएस बिरला को। इसको मेरे भाई घनश्याम दास जीडी बिरला को। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था मेरे भाई, ये गांधी जी जब सविनय अवज्ञा तो आंदोलन चला रहे थे, उसके बाद उनका दिमाग ये छुआछूत पे गया, तो ये छुआछूत को जो था उसे ख़त्म करने के उद्देश्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे दलितों में जो ये था। 67 में देखें क्या है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इसमें 67 में जो हमसे पूछ रहा है, तो मेरे भाई इसमें जो पढ़े लिखे जब जो अच्छे पढ़े लिखे नेता और एक तरह से अच्छे वकील थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, यही दो लोग जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आया था कि भारतीयों को जैसे जो उसका कैसा स्वरूप होगा, तो उसके उद्देश्य से ये हुआ था। तो क्रिप्स मिशन के जो साथ वो आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। देखें 68 में। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था मेरे भाई? सियार दास ने इसको प्रस्तावित किया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आप सबको पता होगा कि इसमें जो है दिसंबर 1920 नागपुर में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई, और जो है नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सीआर दास द्वारा किया गया था, यही ऑप्शन नंबर ए। 69 देखें। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो किसने 1920 में अपने जो आंदोलन या कह सकते अपने संघ का नाम जो है स्वराज सभा रख लिया था? तो मेरे भाई इसमें ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर बी। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था मेरे भाई? गोपाल जो तिलक और एनी बेसेंट, तो ये लोग जो है ये चाहते थे कि स्वराज का उद्देश्य कर रहे थे, होम रूल यानी डोमिनियन स्टेट चाहते थे, यानी ब्रिटिश सरकार के अंदर ही अपना एक सरकार चाहते थे जो है, तो इसी उद्देश्य से ये होम रूल आंदोलन चला रहे थे। तो 1920 में इसका नाम जो है जो स्वराज सभा रख लिया गया था होम रूल आंदोलन का। आगे देखें, अब देखिए क्या है यहाँ 70 वाले में। 1855 में संथालों ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेरे भाई 1855 में संथालों ने एक मेजर बारों को हराया था। ये एक संथाल एक आदिवासी विद्रोह था, ये 70 वाला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्या था मेरे भाई, 1855-56 में यह संथाल विद्रोह हुआ था, और इसके आदिवासी जो नेता थे वो सिद्धू एवं कान्हू थे। आप सबको पता होगा सिद्धू और कान्हू, ये इसके नेता थे इसमें, सिद्धू और कान्हू में। तो इसमें जो है एक कर सकते हैं कि आदिवासी विद्रोह था ये, तो आदिवासियों ने संथाल विद्रोह में मेजर बारो को हराया था। 71 में देखें, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसमें इसका पूरा नाम होना चाहिए था, इसमें आधे नाम दिया है मेरे भाई, ये जो 71 वाला क्वेश्चन है। तो ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम इसका नाम होगा, इसमें केवल शाकुंतला दे दिया है, तो इसे अभिज्ञान शाकुंतलम होना चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसकी जो है अंग्रेजी में सबसे पहले जो कह सकते हैं कि अनुवाद कराया था वो विलियम जोन्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। तो विलियम जोन्स ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें मेरे भाई, 72 में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तीनकठिया पद्धति प्रचलित थी? तुम्हें पता है मेरे भाई तीनकठिया, कि जमीन के 20 हिस्से में तीन हिस्से पर नील की खेती करने के लिए अंग्रेज किसानों को बाध्य करते थे, और जिसे किसानों बहुत तंग आ गए थे। तो जब 1916 में महात्मा गांधी का लखनऊ में बैठक था, जिस समय कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल में जो समझौता हुआ था, तो एक राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को उसके बारे में बताया, तो गांधी जी चंपारण में जाकर उस समस्या को हल किए। तो ये तीनकठिया प्रथा कहाँ थी? चंपारण क्षेत्र में, बिहार का एक जिला है चंपारण, वहाँ। तो आगे देखें हम लोग 73 में क्या है, 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला में, 17 नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित एक सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एक तो बात है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई वो 17 नवंबर 1929 को सोनपुर के मेला में हुआ, एक तो ये फैक्ट आप लोग जान गए। दूसरा फैक्ट है, ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है। तो ये इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका नाम पूरा था ट्रिपल एस, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग, और श्री कृष्ण इसके सचिव बनाए गए थे। 74 में देखें क्या है, किस मुगल सम्राट काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो मेरे भाई जहांगीर के काल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहांगीर के काल में अंग्रेजों ने, यानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना लगाया था। कहाँ लगाया था मेरे भाई, ये अब जानने की बात है कि मछलीपट्टनम में। तो मछलीपट्टनम में मेरे भाई, मछलीपट्टनम में कारखाना लगाया था, यह एक टेम्परेरी कारखाना था, टेम्परेरी अस्थाई। इसके बाद जो एक स्थाई कारखाना अंग्रेजों ने लगाया वो सूरत में लगाया, 1613 में सूरत में एक अस्थाई कारखाना लगाया अंग्रेजों ने, तो अकबर ने, जहांगीर ने। तो चले हम लोग अपने 75 वाले पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? तो कौन सा सबसे निर्णायक युद्ध था मेरे भाई, ये बक्सर का युद्ध की बात कर रहा है, बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा प्रभुत्व, पूरी की पूरी ताकत की, सत्ता की ताकत जो है अंग्रेजों के हाथ में चली आई, क्योंकि उसके बाद अब अंग्रेजों से कोई लड़ने वाला नहीं था, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 75। तो बक्सर का युद्ध हुआ कब था मेरे भाई, 22, बक्सर से 22, नाम भी ऐसा है, कभी आपसे याद रखना हो तो बक्सर कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में, सॉरी यहाँ तो थोड़ा सा गलत हो गया, 1764 में हुआ था। तो ये मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम, ये सब तीनों मिलकर एक सेना तैयार किए, और युद्ध में ये सब हार भी गए, अंग्रेजों की कमान जो है संभाला हुआ था हेक्टर मुनरो ने, तो उससे ये सब हार गए तीनों की जो संयुक्त सेना थी बक्सर के युद्ध में। इसके बाद अंग्रेजों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो अंग्रेजों का ये कह सकते हैं एक निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों का अपनी प्रभुत्व स्थापित कर लिया।
देखिए हम लोग 66 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, यहाँ लिखा है मेरे भाई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, संस्थापक कौन था, पूछ रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यानी वो कौन सा अंग्रेज था जिसमें अंग्रेजों की, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की पहली नींव रखी ऐसा माना जाता है। तो मेरे भाई लॉर्ड क्लाइव ने रखी थी, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने 1757 का युद्ध, जिसे प्लासी का युद्ध बोला जाता है, ये जीता था पहली बार अंग्रेजों ने युद्ध, यही इसी को एक जो इसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण युद्ध जो है जीतकर अपनी एक पहचान, एक पैठ बनाई थी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 76। तो इसी युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों की एक न्यू मजबूत न्यू पड़ गई थी इंडिया में। आगे देखें हम लोग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ। तो हम सबको पता है मेरे भाई, ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, ये हमारा जो 77 वाला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नेतृत्व प्रयासों से हुआ था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। ऑप्शन नंबर बी हुआ था। तो कब हुआ था ये सब हम अब सबको पता होगा कि 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद विद्यासागर प्रयासों से। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। चले हम लोग 78। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, नहीं है वो हमें बताना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसको हमें बताना है 78 वाले में। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध जो है कब हुआ था, जो हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उस समय गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो नहीं भाई, ये तो गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर अंग्रेज और मैसूर युद्ध जब हुआ था, किसके बीच? टीपू सुल्तान हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध। तो इस समय जो था वो ये हेक्सटिंग था, वारेन हेक्सटिंग, ये वाला जो था, यहाँ होना चाहिए था, तब ये सही रहता, गलत हो गया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तब ये था, हाँ, तो पर भी यही वारेन हेक्सटिंग ही था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय युद्ध में ये टीपू, ये जो हैदर अली मारा गया था बेचारा, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हैदर अली और वारेन हेक्सटिंग के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर, ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, सॉरी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेक्सटिंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में। तो इसका मतलब अब हमारा एक से ज़्यादा कथन सही हो गया 78 वाला। तो अब यहाँ हमें पूछा कौन सा गलत है, तो गलत केवल ए वाला है, ऑप्शन नंबर ए। सेवेंटी नाइन में देखें क्या कर रहा है। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने किस सूबेदार को पदुचेरी नामक गांव प्राप्त करके पांडिचेरी की स्थापना किया था। तो हमें पता है कि एक ये था पुर्तगाली फ्रांसिस मार्टिन, इसको जो है एक पदुचेरी नामक गांव मिल गया था, तो जिसको बाद में इन्होंने पांडिचेरी नाम से जो है इस चीज़ की स्थापना किया। तो यही कह रहा है किस सूबेदार से इसको प्राप्त हुआ था, कौन सा सूबेदार फ्रांसिस मार्टिन को ये गांव दिया था जिसको ये पांडिचेरी बना दिया। तो दौलत खान लोदी, शेर खान लोदी, महमूद खान लोदी, कौन सा ये 79 में? तो मेरे भाई इसमें दिया था शेर खान लोदी, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ये शेर खान लोदी ने ये दिया था, इसको एक पदुचेरी नामक गाँव दे दिया था जिसे पांडिचेरी के रूप में उन्होंने विकसित किया। आगे देखें हम लोग 80 में रेगुलेटिंग एक्ट के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था मेरे भाई? 1773 में, बहुत फेमस ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में ये जब आया था, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे कई सारा क्वेश्चन भी बनता है। 1773 में आया था और इसी के कारण जो है ये भारत में उच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। तो बंगाल का नवाब कौन था जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था? तो इस समय जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला, बंगाल का गवर्नर जो मेरे भाई था वो मुबारकुद्दौला था,
हाँ मुबारकुद्दौला, और ये मुबारकुद्दौला जो है ये केवल नाम मात्र का था, जबकि ये वास्तविक सत्ता जो है अंग्रेज़ों के ही हाथ में थी। तो और अब ये कौन था इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेक्सटिंग था, वारेन हेक्सटिंग। चले हम लोग 81 पर, क्या कह रहा है, कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है उसको हमें बताना है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक निबंध दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, तो सही बात है, ऑन द कॉमर्स वाला जो निबंध था दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था। दूसरा क्या है, बंगाल में सिरसा में प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापना हुई थी, ये दूसरा वाला कह रहा है। तो हाँ सही बात है, सिरसा में ही हुई थी प्रथम, तो सॉरी ये गलत है, बंगाल के जो है सिरसा में नहीं हुआ था, ये 81 वाला जो है ये गलत है, तो ये वाला गलत है ये अपना। तो सूती वस्त्र की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी, तो ये दूसरा वाला गलत है। तीसरा क्या है, सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत का समर्थन किया था, तो नहीं भाई ये विरोध किया था। 81 वाला जो अपना क्वेश्चन है तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ये इसमें विरोध किए थे इसलिए गलत हो गया, इसमें तो समर्थन लिखा है और इसमें सूती वस्त्र की स्थापना बम्बई में हुई थी न कि बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग के सदस्य बनाए गए थे, तो मेरे भाई सैडलर आयोग के, मतलब एक सैडलर आयोग एक शिक्षा से संबंधित था, तो सैडलर आयोग के अध्यक्ष जो है ये कौन बनाए थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को, 82 वाला। तो 1717 में, तो मेरे भाई 1917 में ये सैडलर आयोग की स्थापना हुआ था, और ये जांच करना था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का हाल चाल कैसा है, उसकी मतलब स्थिति कैसी है, इसी के लिए गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष ये दोनों थे। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा गलत है हमें, तो 83 में ये बताना है कौन सा गलत है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा गलत है। पाइक विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु ने किया था, सही बात है, पाइक विद्रोह का जगबंधु ने ही किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था, तो नहीं भाई इसका चित्तर सिंह ने नहीं किया था, ये जो लिखा है इसमें खासी विद्रोह, खासी विद्रोह जो था ये मेरे भाई इसका चित्तर सिंह ने नहीं किया था, बल्कि एक दूसरे नेता थे, उसका हमें नाम नहीं याद रहा है, तो उसके जो था उसका नाम आप लोग बताइए कमेंट में किसने किया था। और ये था जो कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था, तो ये भी सही है हमारा। तो इसमें से पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो गलत यही दो वाला है, खासी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह तो नहीं किया था, आप लोग बताइए किसने किया था, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। चले हम लोग अब 84 वाले क्वेश्चन पर, तो सॉरी हाँ हाँ इसका तीरथ सिंह, चित्तर सिंह नहीं अभी याद आ रहा हमें, तीरथ सिंह ने किया था, तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो चले हम लोग आगे 84 वाला देखते हैं क्या है। एक तरफ दिया है समाचार पत्र के नाम और दूसरी तरफ दिया है संपादक के नाम, अब हमें बताना है कौन सा सही है 84 वाले में। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भ्रष्ट इससे संबंधित थे, उद्धत मार्तंड जुगल किशोर ये भारत का पहला जो है हिंदी समाचार पत्र था, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी सभी सही हैं इसमें से, सभी सही हैं उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी सभी। तो चले हम लोग 85 देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है ये, कह रहा है साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन ब्रिटेन की किस पार्टी से थे, तो ये हमें बताना है। जो साइमन कमीशन आया था जिसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, जिसके लेकर भारतीयों ने विरोध किया था, तो साइमन कमीशन किस पार्टी से संबंधित था, जो अंग्रेजों की पार्टी थी वहाँ सत्ता किस पार्टी संबंधित था, ये पूछ रहा है हमसे 85 वाले क्वेश्चन में। तो मेरे भाई ये तो देखिए ये जो पार्टी थी इनकी वो लिबरल पार्टी से थे, जॉन साइमन
जॉन साइमन लिबरल पार्टी से थे, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन इनको भेजा कौन था, भेजा कौन था मेरे भाई, ये कंजर्वेटिव पार्टी उस समय सत्ता में थी, यही कंजर्वेटिव पार्टी जो है इसका साइमन कमीशन का अध्यक्ष बनाकर भेजी थी इन्हें। तो चले अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे इसमें, याद रखिए। धर्षणा दमन चक्र का उल्लेख करने वाला अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, तो हमें पता चल गया धर्षणा दमन चक्र का उल्लेख करने वाला अमेरिकी पत्रकार कौन था, वेब मिलर था। तो वेब मिलर निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित था, तो 86 वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किस समाचार पत्र से संबंधित था। तो मेरे भाई ये न्यू फ्रीमैन नाम का एक समाचार पत्र था, उसी से संबंधित था ये वेब मिलर। 87 देख लें क्या करा है। भारतीय इतिहास में 17 अक्टूबर 1940 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 17 अक्टूबर 1940 में कौन सा, इस दिन 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। दूसरा दिया है कि इस दिन मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव किया था। इस दिन कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यही सही है मेरे भाई, 17 अक्टूबर भारतीय इतिहास 1940 में उसी दिन कांग्रेस ने व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये 87 वाले में। तो मेरे भाई प्रथम सत्याग्रही कौन थे इसमें, इसमें प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा आप लोग। 88 वाला देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में यानी अंग्रेज़ों का जो शासन था उस समय, जनरल वक्त खान, बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह क्यों याद किए जाते हैं, उनसे इनका क्या संबंध था औपनिवेशिक काल में। तो सबको पता है जब 1857 की लड़ाई हुई थी, वही मंगल पांडे वाली जिससे मंगल पांडे संबंधित थे, शुगर चर्बी वाला, 1857 की लड़ाई में जब हुई थी तो इसका अलग अलग क्षेत्रों में इसका विद्रोह हुआ, तो किस क्षेत्र में कौन से लोग संभाले हुए थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो हमें पता है जनरल वक्त खान दिल्ली में संभाले हुए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में, कुंवर सिंह जो है बिहार के आरा में। तो इससे यानी 1857 के विद्रोह से ये नेता संबंधित थे। चलते हैं हम लोग 89 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है। हमें पता है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इस दिन मतलब पूरी तरीके से इसकी घोषणा कर दी गई थी, मुहर लग गया था बंगाल विभाजन का। तो क्या दिया है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, गलत। इस दिन बंगाल विभाजन विभिन्न रूप से लागू हो गया था, जो विभाजन हुआ था वो लागू हो गया था 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को ही लोग जो है अलग अलग जो है मतलब तरह से इसको संबोधन किए थे। जैसे 89 वाले में बात करें तो लोग शोक दिवस, जो आंदोलनकारी थे इस दिन को शोक दिवस मनाए थे। कौन सा दिवस, शोक दिवस मनाए थे आंदोलनकारी। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे मेरे भाई, आर्यन टैगोर थे, वो इस दिन को राखी बांधने की ये प्रथा स्टार्ट किए थे, जिससे एक दूसरे में भाईचारा बढ़े। तो चले हम लोग आगे 90 में देखें क्या कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्र तथा स्वामी सहजानंद याद किए जाते हैं। ये सब किस में मेरे भाई, ये सब एक किसान आंदोलनकारी थे, ये सब किसान सभा आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के रूप में किए जाते थे। ये सब एक किसान नेता थे, बहुत फेमस थे ये सब। तो किसान जनसभा को, किसान सभा आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के रूप में आदि किए जाते हैं। 90 वाला ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखें 91 में क्या है, बहुत अच्छा सवाल है 91 वाला, बहुत सरल है। देखिए क्या कह रहा है ये, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है, और विचार करके हमें बताना है कौन सा सुमेलित है। तो मेरे भाई कानपुर का जो नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर विद्रोह का, वो नाना साहब कर रहे थे, तो सही है। फैजाबाद का जो विद्रोह कर रहे थे नेतृत्व, फैजाबाद में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, ये सही है भी। और गोरखपुर का लियाकत अली, नहीं लियाकत अली तो इलाहाबाद का कर रहे थे ना, ये इलाहाबाद का कर रहे थे लियाकत अली।
तो गोरखपुर का ये कौन कर रहा था, ये तो गलत हो गया हमारा, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो केवल दो कथन सही है ऊपर वाले का, तो जो है ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो दो सही है ऊपर वाले का, तो तीसरा वाला जो हमारा है ये तो गलत हो गया, गोरखपुर का जो कर रहे थे वो गजाधर सिंह थे, इतने गजाधर सिंह कर रहे थे, तो केवल दो सही हैं, ये वाला और ये वाला। 92 में देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद चटर्जी, रोशन लाल याद किए जाते हैं, तो हमें पता है मेरे भाई ये सब जो है बहुत फेमस आंदोलनकारी थे उस समय, समाजवादी आंदोलन जो चल रहा था, तो अभिनव भारत समाज संस्थापक, ये तो पता नहीं क्या दिया, ये तो नहीं हो सकता। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता, मेरे भाई स्वदेशी और बहिष्कार तो 1905 में चला था, ये कहाँ सो जाएंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में, तो ये सी सही है, क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में है ये सही है। तो जिस समय भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद का दौर था उसी दौर में ये सब संबंधित हैं, तो जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उससे ये लोग जुड़े हुए थे। आगे देखें हम लोग, चार्टर एक्ट 1873 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट मेरे भाई का क्या कह रहा है, ये इसमें लिखा है, इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है 93 वाले में ये क्या लिखा है, तो जो ये 93 वाला क्वेश्चन है इसमें लिखा क्या है, इसमें थोड़ा सा मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसने गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, तो जो चार्टर एक्ट 1873 कह रहा है इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, ये क्या ये सही है कि नहीं, तो हमें बताना है कौन सा सही है 93 वाले में। तो सही बात है, एक गवर्नर सदस्य को सम्मिलित किया, इसने कंपनी में व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, ये भी सही है। तीसरा क्या करा, इसने बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया, ये सब सही है। यानी कौन सा सही है मेरे भाई, उपर्युक्त में से एक से सही, यानी एक कथन से ज़्यादा अगर हमारा सही हो तो हम जो है डी लगा सकते हैं। 94 वाला देखें, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, बताना है इस पर विचार करके कौन सा सही है उसको बताना है 94 वाले क्वेश्चन में। तो ये तो सही बात है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, तो कहाँ हुआ था ये, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, जतरा भगत, बलराम भगत ये सब जो है, और देवनिया भगत ये सब जो है इसके गोमधर कुंवर के और व्यक्ति थे। तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ये भी सही है। तेभागा आंदोलन 1946 एक महत्वपूर्ण किसान, तेभागा आंदोलन 1946 महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों सही है। तो क्या करा है 95 वाले में, स्तंभारी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो इसको मेरे भाई अन्य नामों से जाना जाता है, अस्थाई व्यवस्था और अलग अलग इसके तरह के और तरह के नाम जाने जाते हैं, जमींदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, ऐसे ऐसे करके इसको बहुत से सारे नाम से जाना जाता है। और यह जो है व्यवस्था जो बनाई गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस इत्यादि क्षेत्रों में लागू किया गया था, तो कार्नवालिस ने इसे बनाया था, यह भू राजस्व था कार्नवालिस, ये कार्नवालिस ने बनाया था ये स्थायी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को, जिसमें ज़मीनों के वास्तविक मालिक जो है किसान नहीं होंगे बल्कि जमींदार होंगे, इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था कहा जाता। अगर किसान ठीक समय से जो है अपना जो है टैक्स नहीं चुका पाया तो उसकी जो है ज़मीन जमींदार के चली जाएगी पास में। 96 वाला देखें, वी डी सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, अभिनव भारत नाम के क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था, सही बात है। वी डी सावरकर ये राजनीति में, अपने भारतीय राजनीति में बहुत याद किए जाते हैं यह।
इन्हीं के नाम से अंडमान निकोबार में एक हवाई अड्डा बना है। तो भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। सही बात है, पूरा किया थे यही। उन्होंने स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखा। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। तीनों सही है, ये जो है यहाँ पर मेरे भाई, ये इनका तीनों सही है, डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी सही है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? हमें पता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 में हुआ था। तो स्वयं महात्मा गांधी के साथ और भी मुस्लिम नेता थे, उसके अर्थी उठाए थे बाल गंगाधर तिलक की, शौकत अली। तो 97 में का हमारा ए हो जाएगा, शौकत अली महात्मा गांधी के साथ इनकी अर्थी उठाए थे। ये PCS यूपी PCS में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 98 वाले हम लोग देखें, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो मेरे भाई ये जो है स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, इसके बाद यह स्वदेशी आंदोलन चरम पर पहुंचा। और स्वदेशी आंदोलन को में कांग्रेस में जो नरम दल के यानी गरम विचारधारा के रखने वाले थे और एक तरफ नरम विचारधारा वाले थे, तो गरम वाले चाहते थे तो इस आंदोलन को हम दूर तक ले जाएं, और नरम वाले चाहते थे हम यही मतलब इस ज़्यादा दूर तक इस आंदोलन को न ले जाएं। तो इसी के कारण में मतभेद हुआ और यह मतभेद जाके 1916 में हुआ। तो नरम दल गरम दल का जो विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ। तो आगे चले हम लोग, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम करते हैं। पहले निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। उपर्युक्त में से इसकी स्थापना केशव चंद्र का संबंध नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा ये जो है एक संस्था का स्थापना केशव चंद्र नहीं किए थे, ये हमें बताना है 99 वाले में। तो ये कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का संबंध केशव चंद से नहीं था, बल्कि ये टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशंस, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दोनों का संबंध इनसे था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता यूनियन कमेटी का संबंध केशव चंद से नहीं था। 100 वाला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से प्रख्यात समाज सुधारक तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी, ये इसने जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसे थोड़ा समय देखना पड़ेगा। ये 100 वाला जो ये क्वेश्चन है इसमें ये क्या लिखा है, ये 100 वाले में। तो मेरे भाई जो 100 वाला क्वेश्चन है ये अपना, इसमें क्या लिखा है कि समाज सुधारक ज्ञान योग कर्म योग, हाँ यहाँ ज्ञान योग है, समाज सुधारक ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें किसने लिखी थी, 100 वाला जो है ये पूछ रहा है हमसे। तो किसने लिखा था मेरे भाई, राजा राम मोहन राय, बालकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, किसने लिखा था ये? तो मेरे भाई इसमें जो लिखे थे वो विवेकानंद लिखे, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही इसको लिखे थे। तो स्वामी विवेकानंद हमें पता है 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, और जहाँ पर उन्होंने एक विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया, जो भाषण बहुत ही फेमस था, और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किए थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, और कर्मयोग राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी 101। 1934 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो 101 का क्वेश्चन मेरे भाई ये मंदिर में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध था ये तारकेश्वर आंदोलन। तो 101 वाला जैसे 1924 में मेरे भाई बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, शिव मंदिर में कुछ भ्रष्ट जो है आसाराम की तरह कुछ महंत या साधु संत रहते थे जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, तो उनके विरोध के लिए तारकेश्वर आंदोलन चला था। तो कहाँ ये तारकेश्वर था, बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन कहाँ चला था, बंगाल में, किसके विरुद्ध, जो है भ्रष्ट या खराब नीयत वाले महंत साधु संतों के बीच। 102 वाले में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1885 में
स्थापित प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक था। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, ये पूछ रहा है हमसे। तो मेरे भाई ये था जो है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था इसमें? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग तीनों थे इसमें। ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और हम लोग देखें 103 वाला, भारतीय राष्ट्रीय कथन पर विचार करना है, विचार बताना है कौन सा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। मेरे भाई ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर अगर दिया होता प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, तब सही रहता। प्रथम महिला जो हुई थी वो एनी बेसेंट हुई थी। कौन? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय जो महिला हुई थी वो सरोजिनी नायडू हुई थी। तो ये तो गलत हो गया। और प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी, ये भी सही है। तो यानी कौन सा गलत है? तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए गलत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। चले हम लोग आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? सीआर फार्मूला मेरे भाई राजगोपालचारी ने बनाया था, इन्हीं के नाम पर। इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो सीआर फार्मूला इसे कहा जाता है। आगे देखें हम लोग, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा समझा गया योजनाबद्ध था? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लाला लाजपत राय। किसने? पाँचवा में करा, 105 में। तो ये किससे संबंधित है? तो ये मेरे भाई किसने कहा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था न ही सोचा गया था, यह एक जो है ऑटोमेटिक था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HSRA, हसरा। क्या कहा जाता है मेरे भाई? हसरा। हसरा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके? ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को भंग करके ये इसको बनाया गया था। तो चलिए हम लोग 107वें पर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो हमें पता है लंदन में हाउस, इंडिया हाउस की स्थापना जो किए थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा थे ये जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। कब किए थे मेरे भाई? 1905 में। चले हम लोग 8वां देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तक में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो हमें पता है मेरे भाई महात्मा गांधी एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने बांझ और वेश्या कहा था। आगे हम लोग देखें, गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन की पुस्तक किसने लिखी थी? तो गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक ये लिखे थे राम मनोहर लोहिया, एक समाजवादी नेता थे, बहुत फेमस नेता, तो यही लिखे थे। तो ये नेहरू को बहुत ज़्यादा कटाक्ष करते थे, विरोध करते थे। नेहरू ने उतना ही इनको ज़्यादा प्यार करते थे, राम मनोहर लोहिया को। यही राम मनोहर लोहिया थे जब नेहरू जी के देहांत हुआ तो उनकी समाधि पर गए और लोगों ने कहा कि आप तो इतना इनके विरोधी थे, आप क्यों आए हैं? तो ये कह रहे थे कि मैं आज़ादी के पहले वाले नेहरू को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। इसका इनका एक बहुत बड़ा टैग इनके ऊपर लगा है। चलें हम लोग अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? 1929 में जो दीपावली घोषणा पत्र जारी किया गया था इसका संबंध किससे है 110 वाले में? तो मेरे भाई इसका संबंध जो है डोमिनियन स्टेट से है। डोमिनियन स्टेट मतलब वास्तविक सत्ता जो है अंग्रेज के हाथ में रहेगी, उसके अंदर जो है एक
सत्ता दे देना, मतलब जैसे कह सकते हैं केंद्र की सरकार जो है अंग्रेजों के हाथ में रहेगी और राज्य की जो है ये मतलब जो राज्य सरकार होगी इसको भारतीयों को दे देना, यही था डोमिनियन स्टेट। तो डोमिनियन स्टेट दीपावली घोषणा पत्र से संबंधित है कि आधी आज़ादी, इसका मतलब ऊपर से अंग्रेज रहेंगे मेन, अंदर वही रहेंगे भारतीय अपना शासन करेंगे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारतीय उच्चायुक्त पद का अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था मेरे भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 में, हाँ भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था। का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, तो किसके खिलाफ लड़ा गया था ये पूछ रहा है हमसे। तो मेरे भाई ये जो लड़ा गया था वो मैसूर के खिलाफ लड़ा गया था, ये था ऑप्शन नंबर सी। मैसूर का संबंध वांडीवास युद्ध से था। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था, तो हैदर अली ने ही आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था 1755 डिंडीगुल मैसूर। आगे देखें हम लोग 114। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? द्वैत शासन प्रणाली को बंगाल में किसने समाप्त किया था ये पूछा। रॉबर्ट क्लाइव, कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, किसने किया था? 114वां हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर सी, यही जो है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो इसका एक दोहरी शासन मतलब दोहरी शासन प्रणाली, इसका मतलब यह था। चले हम लोग अगले 15 वाले में क्या था इसमें। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो प्रारंभ किया गया था इससे संबंध कौन था? तो अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कार्नवालिस तो नहीं हो सकता, ये जमींदारी व्यवस्था को मतलब बनाया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता 15 वाला, ये जो मतलब एक कथन एक जो है ये, क्योंकि ये जमींदारी व्यवस्था बनाया था कार्नवालिस ने, अस्थाई व्यवस्था। तो इसमें अलेक्जेंडर और थॉमस मुनरो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों रहता फिर भी डी होता, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। 16 देखें, कौन सा आयोग 1757 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, कौन सा? तो 16 में मेरे भाई ये पील आयोग था। पील आयोग क्या था कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय, तो उस समय भारतीय फौज के एक नई गठन से संबंधित था जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, ये सब तमाम इसमें थे, तो पील आयोग इससे संबंधित थे। आगे देखें हम लोग, किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? किस कारण से ये पूछ रहा है 17 वाला क्वेश्चन। तो मेरे भाई जैसे नई नई खोज आ गई, तमाम तरह के ये केमिकल डाइज आ गई और बाज़ार में इसका जो है लाभ मतलब मांग नहीं रही, जिसके कारण इसका जो है बाज़ार में डिमांड नहीं होती थी, तो इसी कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है अनएक्सेप्ट कर दिया था, अस्वीकार कर दिया गया था? किस अधिवेशन में सरकार 1935 के अधिवेशन को अस्वीकार कर दिया गया था? रामगढ़ अधिवेशन 40, लखनऊ अधिवेशन 16, 1900, किस अधिवेशन की बात कर रहा है? तो लखनऊ अधिवेशन में 1936 में लखनऊ अधिवेशन था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था इसको अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? 19 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन लॉरेंस,
जॉन लॉरेंस थे मेरे भाई, ये इससे जुड़े हुए थे। आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया। तो हमें सबसे पहले पता है कि आनंद मठ उपन्यास का मतलब किसने लिखा था, बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था। तो किस पर आधारित था मेरे भाई, एक तरह से यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 120 वाला क्वेश्चन। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1763 से 1800 तक ये चला था। कहाँ, 1763 से लेकर 1800 तक सन्यासी विद्रोह चला था, और इसी सन्यासी विद्रोह पर ये उपन्यास आनंद मठ ये लिखा गया है। तो बंकिम चंद चटर्जी के बारे में एक और है, ये वंदे जो ये गीत है वंदे मातरम वाला, बंकिम चंद चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है ये। 121 वाला देख लें, भारत के इतिहास संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था, 1857 का विद्रोह या 1921 का मोगला विद्रोह, किसका था ये। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें से नहीं था। तो किसका था ये, तो मेरे भाई देखिए मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे, को बिरसा मुंडा को धरती को जो है अर्थात धरती पुत्र मतलब धरती आबा अर्थात जगत पिता के नाम से जाना जाता था। इनके विद्रोह को उलगुलान अथवा महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना जाता। तो चले हम लोग आगे देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी पत्रकार टाइम्स द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द इंडिया ईयर 2022 घोषित किया गया। तो इसमें जो किया गया ये 22वां वाला जो हमारा ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को किया गया। हमारा देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन पूरा देखेंगे। तो देखिए क्या है, और साहित्य पुरस्कार 2022 का संबंध पर विचार कीजिए, पुस्तक लेखक भाषा, ये हमें बताना है, और कौन सा युग्म सुमेलित है इसको बताना है हमें 23वां। तो देखिए अनुराधा राय अंग्रेजी में, बंदरी नारायण हिंदी, अनीस अशफाक उर्दू, यानी तीनों से संबंध था इसका, उपर्युग में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 24वां चलते हम लोग देखते हैं क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थलों से की स्थलों की खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है, यह किस देश में अवस्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है मेरे भाई, इसको पूछ रहा है, जो विश्व विरासत स्थलों की खतरे की सूची से जोड़ने की सिफारिश किया गया है। 124वां में तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन नंबर ए। तो यूनेस्को जो ये फुल फॉर्म लिखा है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसे जो है शॉर्टकट में यूनेस्को बोला जाता है। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर अपने, नवंबर 1922 में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, सलमान खान, अक्षय कुमार, चिरंजीव, किसे जो है 25वां वाले क्वेश्चन किसे। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई ये चिरंजीवी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अभिनेता चिरंजीवी को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिसंबर 1922 भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचायक अधिकारी नियुक्त किया गया, किसे किया गया मेरे भाई, ये सुष्मिता शुक्ला को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है इसमें, नवंबर 2022 में किस अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत की पहली निजी लॉन्च पैड और नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया, तो किसने किया मेरे भाई, ये 27वां अपना जो पूछ रहा है, तो अग्निकुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें 27वां का। तो अग्निकुल कॉस्मास ने हरिकोटा में स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है
भारत की पहली निजी लॉन्च पैड मिशन नियंत्रित केंद्र लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ हैं, आप सबको पता वही किए थे। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। दिसंबर 1922 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? सोमा मंडल, किरण बेदी, फाल्गुनी नायर, किसे शामिल किया गया है? और बता दें कि इसमें जो अपनी वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमण वो भी हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। जो ऑप्शन दिया है उन्हीं के बारे में हमें बताना है 128वां में। तो मेरे भाई ये इसकी फाल्गुनी, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक, सोमा मंडल, यानी जैसे मैंने कहा ना, कई महिलाओं को जो है वहाँ स्थान मिला था फोर्ब्स में, जो शक्तिशाली महिलाएं होती हैं विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिला को शामिल किया गया था। तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई थी तो इसमें जो है भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया था, 6 महिलाओं को। तो 6 महिला कौन कौन है मेरे भाई, जिसे मैं बताया, निर्मला सीतारमण, रोशनी नायर मल्होत्रा, माधवी पुरी बूच, सोम मंडल, किरण मजूमदार, शाह, फाल्गुनी नायर, तो सभी सही हैं। तो सोमा मंडल, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, तो सभी सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी पालतू हाथियों को डीएनए प्रोफाइलिंग का प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, किसमें? मेरे भाई बिहार में। देखिए हाल ही में बिहार सरकार ने अपने राज्य के सभी पालतू हाथियों को डीएनए प्रोफाइलिंग करने की घोषणा की है। तो चले हम लोग अगला। दिसंबर 22 में द्वारा यूपीआई पेमेंट सेवाओं और बेहतर बनाने के लिए सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने शुरू की गई है मेरे भाई? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, किसने किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने। तो चले हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर। 31वां देखते हैं क्या है। दिसंबर 22 में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच इंडिया इंडो कॉरपोरेट अभ्यास आयोजन किया गया? इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, किसके बीच किया गया मेरे भाई? तो ए, इंडिया इंडो, तो इंडो नाम है तो इंडोनेशिया से ही होगा, नाम से ही हमें लग रहा है। 32वां देखें, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा राज्य शामिल, कौन सा स्थान है इसमें वैश्विक प्रतिभा प्रति मतलब कंपटीशन सूचकांक 2022 वाले में, 32वां जो है। तो मेरे भाई इसमें जो है, इसमें दिखाई तो आपको नहीं दे रहा है लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि देखिए नवंबर 2022 में वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो जारी किया गया, भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, 105वां, 107वां, तो यहाँ 101वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार या कोई नहीं, इनमें से कौन है? तो मेरे भाई इसमें कटिहार हो जाएगा। कटिहार जो है, ये प्रदूषित का जो आंकड़ा आया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, तो सबसे प्रदूषित शहर है भारत का। 34 देखें, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने विश्व के किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में घोषित किया है? तो हिमालयी याक, हिमालयी भेड़, हिमालयी तरर, किसको खाद्य पशु के रूप में घोषित किया? तो किया हिमालयी याक को, ऑप्शन नंबर ए। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण किया? जर्मनी, जापान, भारत, कहां पर रही है मेरे भाई? तो भारत में। 36वां देखें, 14 नवंबर 1922 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों को होकर गुजरेगी? 36वां अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कितने शहर से होकर गुजरेगी?
तो ये मेरे भाई बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। कौन कौन सा जिला? आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे जो NH 119, ये इसका नाम है, आधारशिला रखी है। 7 जिलों से होकर गुजरेगा, इसमें कौन कौन सा जिला? औरंगाबाद, जहानजाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा शामिल है 7 जिले। बिहार के किस जिले में सीता की, माँ सीता की 151 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व की माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी? वैशाली, दरभंगा या सीतामढ़ी, किस जिले में? तो मेरे भाई ये सीतामढ़ी में, नाम सीता माता से ही संबंधित है, तो सीतामढ़ी में ही। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने निम्नलिखित में से किस राज्य में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 13,000 फीट ऊंची ऊंचाई पर सेला दर्रा सुरंग का निर्माण घोषणा किया है? तो मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा है, वहीं पर निर्माण किया जाएगा। आगे देखें हम लोग 39। हाल ही में किन दो देशों के बीच वीर गार्जियन नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? 39B क्या होगा इसमें? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा भारत और जापान में, ऑप्शन नंबर बी, वीर गार्जियन अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच। 40 देखते हैं। 15 से 16 नवंबर 2022 के मध्य 17वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? तो भारत, इंडोनेशिया, फ्रांस, जापान, जो 17वीं होगा वो कहाँ किया जाएगा सन 2022 वाला पूछ रहा है इसमें। 140वां का ए हो जाएगा, इंडोनेशिया में। तो साथियों हम लोग ये देखा यहाँ पर जो पार्ट टू में हमारा इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन बचे थे उसको देखा हमने, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा हमने। तो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।